दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम नूए आदम के रेगुलर व्यूअर्स और नए आने वाले तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो नूए आदम की पहली काविश है, जिसमें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि तमाम आने वाले व्यूअर्स नूए आदम पर क्या देख और सुन सकेंगे। इससे पहले एक गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी और बरवक्त पहुँचती रहें। दोस्तों, हम सब मुसलमान जानते हैं कि इल्म की क्या अहमियत है। अल्लाह ताला ने जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल की, दरअसल वो एक हुक्म था, यानी एक रॉ, जिसके मानी है पढ़। और हदीस नबी है कि पंखूड़े से कब्र में उतरने तक इल्म हासिल करो। आदम इसी सिलसिला में काविश का नाम है। नूए आदम के लघवी मानी इकसाम इंसान, यानी कि इंसानों की किस्में हैं। हम इस चैनल में तमाम इंसान, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो कि पहले इंसान थे, तहाल जितने इंसान आए और इन जिनका जिक्र तारीख की बुलंदियों पर नुमाया है, और वो तमाम वाक़ात जो या तो किसी वादियों के अंधेरे में पोशीदा हो गए या समुंदर की लहरों में गर्क हो गए, हम कोशिश करेंगे कि तमाम तारीख के वाक़ात, चाहे आलम अरवाह में लिया गया इंसान से अहद जिसकी वजह से इंसान अशरफुल मखलूकात कहलाया, पैगंबरों के किस्से और वाक़ात, असहाब के किस्से और वाक़ात, मुख्तलिफ अदवार में लड़ी गई जंगें, इसके हकायक और वजूहात, हकायात, सबक आमूज कहानियाँ, लोक दास्तानें, मुख्तलिफ ममालिक कैसे वजूद में आए और इनके मुहर्रिकात, साइंसी इजादात और ऐसे बहुत से सबक आमूज और तारीखी वाक़ात अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन इससे पहले गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तमाम नाज़रीन अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करें, और अगर आप कुछ जानना चाहें या कोई रहनुमाई करना चाहें तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल का भी। खुदा हाफिज़।